जुहार नुआखाई एक्सप्रेस के स्वागत करुचे मुई अनुराधा खबर मूलकर्मा मुखिया खबर आज नु राज नु मूल है कैंपेन मोड ने टीकाकरण लोक मैंने टीकाकरण केन्द्र के जाकिना ने टीका जिनके 3 लाख टीका देवा लगी टार्गेट गाँव मान को अतका फोकस आज नु यूट्यूब ने मूल है पाठपढ़ा अनलॉक ने पाठपढ़ा फेल मारीचे तार उतारू राज्य सरकार को नुआ योजना भित्रिया इलाका के एबे भी पहुंची नहीं पार्बार सुविधा केन्ता पड़वे पिला ताके नहीं करी चिंता बड़ला लुक के मला देखी करी काटी देले भत्ता पैसा बचिथिबा प्रमाण देबा लागि सरकारी ऑफिस ने पहुंचिले हिताधिकारी सुंदरगढ़ नु आसी एंता अभियोग पौरपालिका कर्तृपक्ष अवहेला लगी वर्षा हेबा भत्ता नु बचिछन महिला फेर रास्ता के उलाले चासी मंडी समस्या नहीं करी बरगढ़ ने चासी आंदोलन धान बस्ता रखिकिना बंद कले बरगढ़ बलांगीर रास्ता गला किसी दिन तले घेराव करिथिले बरगढ़ तहसील ऑफिस आर आज आंतर्जातिक योग दिवस मोदी देले योग नु सहयोग मंत्र कहले कोरोना काले साबिचे कवच साजिचे योग जल्दी आसवा डब्ल्यूएचओ सहयोग ने विश्ववासी लगी एम योगा आप सियाड़े योग दिवस लगी गुटे हेला सारा विश्व आज नु राज ने मूल हेला कैंपेन मोड ने टीकाकरण लोक माने टीकाकरण केन्द्र के जाकिना टीका नहीं पार्बे दिनके 3 लाख टीका देवा लगी टार्गेट रखा जाइथिबार बेलके 2000 केन्द्र ने टीकाकरण व्यवस्था करा जाइछे गाँव मानक एतका फोकस ने रखा जाइछे पंचायत आर ब्लॉक ने टीकाकरण लगी स्पेशल प्लान करा जाइछे सबु ब्लॉक ने 5टा केन्द्र आर एनएससी ने 5टा केन्द्र करा जाइछे इटार संगे पौर परिषद मानके 10 आर महानगर निगम मानके 20टा केन्द्र ने टीका दिया जाउछे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई तीरे पंजीकरण लगी जिला स्तर ने योजना करा जाउछे एबे तक राइज ने हेबा 97 लाख डोज टीका दिया सल्लान 22% लुक टीका नहीं थी बेलके राइज ने एबे 10 लाख कोविशील्ड टीका 4 लाख कोवैक्सीन टीका मौजूद अच्छे सियाड़े टीका के बढ़ुवा लोक को सचेतन करवा लगी योजना कर सरकार बलांगीर जिला खंटाबांजी हेमाल भवन थाने मूल है टीकाकरण 18 वर्ष नु 45 वर्ष तक लोक मान को टीका दिया जाउछे गुटे न टीकाकरण केन्द्र थिबानु सेनो लोक मानकर भीड़ देखबा के मिलीछे खंटाबांजी पुलिस आर विज्ञापित अंचल परिषदर कर्मचारी माने सोशल डिस्टेंसिंग करवा संगे कोरोना बाबद ने लोक मान को सचेतन करुछन युवबर्गर 18-44 इयर्स युवपीढ़ी मानक लगी आज टीकाकरण स्टार्ट है घंटाबाजी 3टा सेन्टर में लोक बहुत उत्साहित अच्छे लोक बहुत मात्रा आसुचन वैक्सीनेशन नौचन बढ़िया अरेंजमेंट कराई सियाड़ी जे सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर ने भी 18-44 वर्ष भितर लोक मानकर लगी मेगा टीकादान व्यवस्था करा जाइछे सहर 4टा जगह ने टीकाकरण व्यवस्था करा जाइछे राजगांगपुर विधायक डाक्टर राजन एका कार्यक्रम के उद्घाटन करथिले इनो सब प्रकार बंदोबस्त करा जाइछे कहबार संगे लोक मानको केनसी अपप्रचार नै सुनी कि इंजेक्शन नेबा लागी अनुरोध करछु आज नु यूट्यूब रे मूल हेला पाठपढ़ा ऑनलाइन पाठपढ़ा फेल मारबा उतारू राज्य सरकार को नुआ योजना इटा भित्रिया इलाका के केते पहुंची पारिचे ताके नेकिना एबे प्रश्न कोरोना द्वितीय लहर लगी 2021-22 शिक्षा बरस पाठपढ़ा नुकसान होचे शिक्षा बरस 3 मास पलई थिले भी एबे तक क्लासरूम ने पाठपढ़ा नहीं हो पार्ला इटा के आँख आगे रखिकिना आज नु पहला नु दशम श्रेणी तक पिला यूट्यूब ने पढ़ावा लगी गणशिक्षा विभाग आड़ योजना कर केन दिन केन विषय पढ़ाबा से बाबद ने रुटीन रे जना जाई छे बसला बेलु फर्स्ट कथा हम से नेक्स्ट नै तापर एक कपाई स्पेसिफिक चैनल ले जे सेटा हम पढ़ देबे हमर फेर धान बिक्री लागी राज रास्ता ने चासी बार बार अभिजोग उतारु भी मंडी नु नै उठवार धान केतेबेले कटनी छटनी त केतेबेले टोकन लैप्स बरगढ़ विजयपुर नु आसी छे एंता अभिजोग ई मास 12-14 तक दुई दिन धरिकिना विजयपुर साईपाली समवाय बैंक आगे तालाबंद आंदोलन करथिले चासी जिलापाल अनुरोध संगे लेफ्ट टोकन व्यवस्था करवार प्रतिश्रुति मिलवा उतारू बीजेपी कृषक मोर्चा आंदोलन उड़ीला किंतु दाबी पूरण नहीं होबानु राजरास्ता के उल्लेखे बरगढ़ बीजेपी कृषक मोर्चा
आज विजयपुर ठानु बरगढ़ जिला मुख्य जोगाण अधिकारी कार्यालय तक साइकिल रे यात्रा करिछन चासी। सियाड़ी जे धान बस्ता रखिकिना आंदोलन के उल्हाले बरगढ़ बरपाली रे चासी। जिला ने रबि ऋतुर धान विकास समस्या लगी रही छे। मंडी के चासी माने धान बिक्री लगी आनुथिले भी टोकन समय शेष हलान। टोकन रे भूल टार्गेट अभाव एंता केते बहाना देखी कि धान किना नहीं जीवा जहार लगी चासी असंतोष बढ़वा के लगी छे। जेनथिर लगी चासी माने आंदोलन के आज उल्हेछन। बरपाली कृषक मंच आड़ू गला किछि दिन हला चासी माने सेनर तहसील ऑफिस ने धान गदा करिकिना धारणा रे बसिथिले। आज बरगढ़ बलांगीर जातीय राजपथ अवरोध करिछन। बरगढ़ उपजिलापाल घटना जगह के आसिकिना बुझा सुझा करबा उतारु चासी माने धारणा नु उहरिथिले। आपण माने जानिछन जे बरगढ़ जिला गुटे कृषि प्रधान जिला। बरगढ़ जिला भारत ओडिसा रो भातहांडिया। ई जगह रे अन्य जासी ओडिसा सरकार निके किंतु आज यदि ई अंचल चाषी आत्महत्या करबे तो धान चाष कर लाभ कणे। आज आम प्रश्न पचार लगे चाहूचु जेन चाषी आत्महत्या कले से चाषी के 10 लाख टंका देवार सांगे सांगे कहा धान भी सरकार घिनवार व्यवस्था करूँ जदि नहीं करबे ई आंदोलन भयंकर हवा सरकार प्रस्तुत। जबकि सबूत नारा दी आस चाषी बल विजु जनता दल इटा चाषी दुर्बल है दुर्भाग्य है ई भलिया सरकार के बाछिकी जेन जाइन नवीन पट्टनायक जेन छाड़ उठी ऐतिहासिक विजय करते आज से उपहार पश्चिम ओडिशावासी बरपाली के बरगढ़ जिला के इटा विजु जनता रो उपहार देइन चाषी के अपमान करी जे तुम धान चाष करबार चाष धान भी नहीं। राज्य में कमतेल जाऊँचे दिनकिया संक्रमण गला 24 घंटा ने 3031 पॉजिटिव चिन्हट होइछन। क्वारंटीन 1738 थिबा बेलके लोकाल केस रहिछे 1293 हेले मृत्यु संख्या ने नहींकिना एबे भी चिंता नहीं कमबार। दिनकिया कोरोना मृत्यु संख्या 40 ऊपर सबुबेले रहुछे। आज भी राज्य ने 43 जनकर मुंड नहींचे महामारी। बरगढ़ 39 बलांगीर 30 बौद्ध 40 झारसुगुड़ा 17 कलाहांडी 39 नुआपड़ा 20 समलपुर 30 सुवर्णपुर 22 सुंदरगढ़ 80 आर स्टेटपुर 78 पॉजिटिव आक्रांत चिन्हट होइछन। इटा के मिसले राज्य ने मोट आक्रांत कर संख्या 880533 छुइछे। थर्ड फेज के नहीं किना सतर्क कराले डीएमईटी सीबीके महांती कहले भिन भिन देश ने तृतीय लहर आसीगलान से लगी आगे सतर्क रहबाके पड़वा। एबे देश ने 7 जन ठाने डेल्टा प्लस भाइरेंट देखा जाइछे। सेमान के आइसोलेशन रे रखा जाइछे। भित्रिया इलाका मानको टीका नेबाके राजी नहीं होतवा लोक मानको सचेतन करा जाउछे। पोस्ट कोविड समस्या के नहीं करी भी प्रतिक्रिया रखिछन डीएमईटी। कोविड लगी शरीर भिन भिन जगह ने बेसी नुकसान होउछे से लगी लोक मानकर मरण होउछे। सियाड़े तृतीय लहर के नहींकिना प्रतिक्रिया रखिछन जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र। थर्ड फेज आगनु टीकाकरण के जोरदार करा जाउछे। सेंता केन्द्र नुआ गाइडलाइन स्टेरॉइड व्यवहार करा जिबा। जेन मन के ऑक्सीजन रो दरकार पड़ुछे सेमानको उपरे स्टेरॉइड व्यवहार होउछे। ऑक्सफोर्ड स्टडी भी समान कथा कहुछे। मात्र कोविड रे बेसी गुरुतर पेशेंट मन के इटा दरकार बोलिकिना कहिछन जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ଟା ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ହେଇଛି ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ କୋଭିଡ଼ ରିପୋର୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 215 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବା ଟେରିଟୋରୀ ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ବା ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 120 କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସେଥିରୁ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ଼ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କେତେଟି ୟୁରୋପିଆନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଇଛି ବା ଭାରତରେ ବି ହେଇସାରିଛି ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ପାଇଁକି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ କେତେକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ସେଇଟା ହେଇଛି। ଆଗରୁ ବିନ୍ଦୁ କହିଛୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ହାଇପୋକ୍ସିକ୍ ଯାହାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଷ୍ଟଡି ସିଏ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କହିଛି ଯାହାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ଦିଆଯିବ ଆଗରୁ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ରାଇଜ ନେ ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ବା ନେଇ ଲାଗିଛେ ନିଶା କାରବାର। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ପୁଲିସ ବହୁତଟେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରିଛେ। ଅତାବିରା ଥାନା ପାଖେ ପାହାଡ଼ ଶ୍ରୀଗଡ଼ା ଗାଁନୁ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ପାଖନୁ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ ହେଇଛେ। କଫ୍ ସିରପ୍ କମ୍ପାନୀକେ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆର୍ ନିଶା ବଟିକା ବି ଜବତ କରିଛେ ପୁଲିସ।
ଆଗକେ ବି ଖବର ଦେଖମା, ଏବେ ସମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ଉତାରୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଚଲା ଲୁକେ ମରିଯାଇଛେ କହିକିନା କାଟିଦେଲେ ଭତ୍ତା ପଇସା, ଏବେ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜେ ବଛିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଲାଗି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ, ପୌରପାଳିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଲାଗି ମହିଳା ଜଣକ ବର୍ଷେନୁ ଏତକା ହେବା ଭତ୍ତା ପାଇବାନୁ ବଛିକିନା ଅଛନ୍। ଅନିମା ବଞ୍ଚିଛେ, ସରକାରୀ କାଗଜରେ କାଁ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲିକିନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛେ, କାଁ ହେଲା ଯେ ମିଲବାର୍ ନେଇ ଭତ୍ତା ପଇସା। ଇଟା ହେଉଛେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପରିବାରର ଦୁଃଖର କଥା। ପୌରପାଳିକାର କାଗଜ ନେ ଯେନ୍ ଅନିମା ମରିଯାଇଛେ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଛେ ସେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ନେ ସେ ମୃତ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି 2019 ଅଗଷ୍ଟ ମାସନୁ ନେଇ ପାଇପାରବାର ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା। ସେସ୍କେ ନିଜକେ ବଞ୍ଚିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଲାଗି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଜଣକ ଚାଲି ଚାଲି ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ଏଇ ଛୁଆର 5 ନୁ ଏନ୍ତେ ଅଛେ, ମାନେ କିଛି କହିନି ପାର୍ବାର୍, ନିଜେ ଖାଇନି ପାର୍ବାର୍, କିଛି କରିନି ପାର୍ବାର୍, ସବୁ କର୍ବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ତାର୍ ଭର୍ତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ଗଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍, ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଛୁଆ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କହିକିରି, ସେନୁ ଫେର୍ ଗଲୁ ବୋଲେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମର କଟିଯାଇଛେ ତୁମେ ନୂଆ କର ବୋଲେ ହେବା ବୋଲେ, ଆମେ ସେ ଛୁଆ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜାଣୁ, ହେଲେ ଆଉ କଟିଯାଇଛେ ତୁମେ ନୂଆ କର ବୋଲେ ହେବା। 2020 କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, ଫିଜିକାଲି ଡିଜେଲ ଭତ୍ତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ଆସିଲାନି, ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ତ ସେ ଛୁଆ ନାହିଁ ଆଉ ତାର କଟିଯାଇଛି, ତୁମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଠୁ ଲେଖେଇକିରି ଆଣ ଯେ ଛୁଆ ଜୀବିତ ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳର ପତ୍ରାପଡ଼ାନେ ରହେସନ୍ ଅନିମା ସାହୁ, ଜନ୍ମନୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। 2008 ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିଲେ, ଇ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2019 ଅଗଷ୍ଟ ମାସନୁ ଆଉ ନାଇଁ ମିଲବାର ଭତ୍ତା। କାଁ ହେଲା ଯେ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ମିଲବାର ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଡରିଯିବେ। ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛେ ବୋଲି ଅନିମାଙ୍କର ମା ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ବି ନେଇ ଶୁଣିଥାଇ ସରକାରୀ ବାବୁ। ସେସ୍କେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକେ ଧରିକିନା ମା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯେନେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥିଲା ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛେ। ସିଆଡ଼େ ଅନିମା ବଞ୍ଚିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ହେବା ପରେ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜଲ୍ଦି କରିବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍। ଅନିମା ସାହୁ ରିପୋର୍ଟ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲି, ରେକର୍ଡରେ ତାକୁ ମୃତ ଡିକ୍ଲାର କରାହେଇଛି, କିଏ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ତାପରେ ମୁଁ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ମୃତ ଡିକ୍ଲାର କରାହେଇକି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ନିଜେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିଲେ ବସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମଲା ଲୁକେ ବଞ୍ଚିଛେ ତ କେତେବେଳେ ବଚଲା ଲୁକେ ମରିଛେ କହିକିନା ପଇସା ଖାଇ ଦଉଛନ୍, ଏନ୍ତାରେ କେନ୍ତା ଚାଲିଛେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଟା ଭଲସେ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ, ଇ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଯୋଗନୁ ସହଯୋଗର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ ମୋଦି। ସବୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଏମ୍ ୟୋଗା ଆପ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। WHOର ସହଯୋଗ ନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାର ଲାଗି ଅଧିକାନୁ ଅତକା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା ଇ ଯୋଗ ଆପ୍। ସେନ୍ତା କରୋନା ସମୟରେ ଯୋଗ କବଚ ଆର୍ ସାହସ ପାଲଟିଛେ, ବିଜ୍ଞାନ ବି ଯୋଗର ଶକ୍ତିକେ ମାନିଛେ। କରୋନା ବିରୋଧ ନେଇ ଇଟାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଅତକା ଗବେଷଣା ଚାଲିଛେ ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग
आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। सारा विश्व पालुचे योग दिवस ये वर्ष थीम रही है सुस्थता लगी योग। कोरोना कटकना भितरे देश ने योग दिवस पालन होउछे। विदेश ने भी ये दिवस के नहीं किना खुशी देखवा के मिलीछे। अमेरिका नु आरंभ करिकिना यूएई तक सबुने योग के नेगिना हेउछे कार्यक्रम। नेता मंत्री गनु साधारण जनता सबे इथिरे निचके शामिल करिछन। केनो राज्य रास्ता रे तो केनो पार्क रे योग करुछन। घरे घरे भी योगासन रो अभ्यास चालीछे। भारत रो सबु जगह ने योग मुद्रा रे चित्र सामना के आसुछे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान संगे भिन्न राज्यर मुख्यमंत्री मैंने भी इथिरे शामिल होइछन। ये बरस कोरोना महामारी के आईखाग्रे रखिकिना आंतर्जातिक योग दिवस बड़ हिसाब रे पालन नहीं ही। हम सबके सामूहिक प्रयासों से कोविड के खिलाफ दूसरी वेव में हमारी लड़ाई उसमें धीरे धीरे हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर हमने लापरवाही की, हमने अगर दोबारा से रिलैक्स होने की कोशिश की, अगर हमने फिर से वही भीड़ भड़क्का और उसी प्रकार का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नॉन सीरियसली लेने का प्रयास किया तो हमारे को फिर से तकलीफ हो सकती है, फिर से बड़े मात्रा के अंदर कोविड के केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। आज के इस 7वें योग दिन के उपलक्ष्य में मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि रोज नियमित रूप से योगासन करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। जो भी जिस प्रकार का योग्य ट्रेनर के अलावा शिक्षक के द्वारा जो सिखाया जाएगा उसका अनुकरण करेंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। योग भारतीय संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है, लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है। और कोरोना काल में जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, इसकी उपयोगिता श्वास क्रिया शरीर को मजबूत करने और चिरंतन मानस के लिए जो योग का योगदान है वो अपने आप में बहुत अनुकरण। संबलपुर सहन्य मूल हैला 11 टंकिया एम्बुलेंस सेवा। सहर रो साथी चैरिटेबल ट्रस्ट इथि लागि गुटे एम्बुलेंस देइछे। एम्बुलेंस खाली महानगर निगम अंचल के रोगी मानको सेवा जुगाबा। इथि लागि दुई जन एम्बुलेंस ड्राइभर मोबाइल नंबर दिया जाइछे। एम्बुलेंस रो देखारखा दायित्व पूर्वतन महानगर निगम रो अध्यक्ष सिद्धू साहू दिया जाइछे। वरिष्ठ समाजसेवी शत्रुघ्न लाल साह ई एम्बुलेंस सेवार उद्घाटन करथिले। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କରୋନା ବେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଚାର୍ଜ ନିଆଯାଉଛେ ସେଟା ହୁଏତ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ କରବାର, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଘର ଲୋକ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଡିସିଜନ୍ ନେଲୁ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫ୍ରିରେ ସେବା ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ ନାଇଁ ଦେଇକରି ଆମେ 11 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ୍ କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆରେ ପୁରା ସୀମିତ ରହିବ। ଏଇଟା ଯୋଡ଼େ ନମ୍ବର ଆମର ପିଲାଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ 24 ଆୱାର୍ ସର୍ଭିସରେ ରହିବେ, ଏଇଟା ଘରୁ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିବେ ଘରୁ हॉस्पिटल तक आमर पहुंचाबार आमर कार्य रहे। एम्बुलेंस रो ऑक्सीजन सेवा अछि, फास्ट एड किट अछि आउ लोकों को पई मास्क अछि। कोरोना लागि एबे जिल्ला ने लॉकडाउन शटडाउन आर राति ने कर्फ्यू लागि रहि छे। आर ई समय ने गाम मन के काम करुतबार अंगनवाड़ी आर आशाकर्मी दीदी माने महामारी बाबद ने लोक मन को भितरे सचेतनता सृष्टि करुछन। गाँ लोक मन कर धीपार देखारखा करबा संगे कोरोना सचेतनता बाबद ने समाज के वार्ता देउछन। सुवर्णपुर जिला नु देखमा अंगनवाड़ी आर आशाकर्मी दीदी मान कर कोरोना सचेतनता अभियान के नहीं करी ई रिपोर्ट। सुवर्णपुर जिला रुगड़ीपाली गाँव अंगनवाड़ी दीदी गीतांजलि रणा घर घर बुली करुचन कोरोना सचेतनता। सतर्क रहुन, सचेतन रहुन, घरे रहुन, इटा के गुरु मंत्र भाबा लागि लोक मान को बुझौछन। टीका नेबा लगी आके आसवा लगी भी गाँववासी मन के बुझुत बाटा देखवा के मिली छे।
ଖାଲି ସେତକି ନାଇଁ ସେ ମାସ୍କ ଆର୍ ସାବୁନ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଟୁଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଇ ଅସମିଆନେ କରୋନା ଲାଗି ସରକାରକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍ ଆର୍ ଆଇନକେ ମାନୁନ୍, ଏନ୍ତା ବହୁତଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରଣା। ଆମେ ଡାକ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁରେ ସଚେତନ କରୁଛୁଁ, ଘର ଘର ଯାଉଛୁଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁଁ, ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁଁ। ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁଁ ଘରୁ ନାଇଁ ବାହାରବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଘରୁ ଯଦି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ମନେ କରୁନ୍ ଥଣ୍ଡା ଘାସ ଜ୍ୱର ହେଲା ବି ଆମେ ଆଶା ଅଛନ୍ ସେ ମେଡିସିନ୍ ରଖୁଛନ୍, ତାକୁ ମେଡିସିନ୍ ଯୋଗାଉଛୁଁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ନିଜର ପରିବାରକେ ଛାଡ଼ି କରି ହାତେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ଧରିକିନା ଗାଁ ଆଡ଼କେ ବାହାରି ଯାଏସନ୍। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଶା ଆର୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବି ହାତେ ମେଡିସିନ୍ ଧରିକିନା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେସନ୍। ଖାଲି ଇ ସମିଆ ବୋଲି ନାଇଁ ସେ, ଅଲଗା ସମିଆନେ ବି ମା ଆର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ଘର ଘର ବୁଲି ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଲସେ କରିଥିସନ୍। ମେଡିକାଲ କାମନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇଥିସନ୍, ଇ କାମ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ପ୍ରଶଂସା ବି ମିଳୁଛେ। ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମ ରୁଗୁଡ଼ିପାଲି ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଶାକର୍ମୀ ଘର ଘର ଯାଇକିରି ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍, ମାସ୍କ ଦେଉଛନ୍, ସାନିଟାଇଜର ଦେଉଛନ୍ ହାତ ଧୋଇବାର ଲାଗି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ ଯେ ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନାଇଁ ଥିଲେ ଘରୁ ପଦାକେ ନାଇଁ ବାହାର, ବାହାରକେ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୁଆ ସାବୁନରେ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରୁ ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ଧୁଆ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ ଯେ ତୁମେ କାମ ନାଇଁ ଥିଲେ ବାହାରକେ ନାଇଁ ବାହାର, ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍। କରୋନାକେ ହରାବା ଦିଗ୍ନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆର୍ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଏଇ ଚେଷ୍ଟାକେ ସବୁ ମହଲନୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେ ଇନ ରଖମା ଜୁହାର।